Hello everyone. Hi and welcome back to our channel. We are Bongers and this is our new video. And today we are going to watch together Animal ka trailer nikla tha kal. We couldn't do it yesterday because we had an invitation. Matlab shaadi viha wala situation tha and hamare ghar ke saaj wale baju wale didi ka shaadi tha na to bahut zyada shor sharaba ho raha tha. Even ki abhi bhi ho raha tha. Hame just thoda sa time mila hai to we thought ki chalo shoot kar lete hain. Jaldi jaldi kar lete hain. And we guys are literally excited for Animal because everyone was matlab this is talk of the टाउन के रणबीर कपूर विद हिज न्यू लुक विद हिज न्यू क्या बोलते हैं ना कैरेक्टर पर्सोना एंड बहुत ही ज्यादा डिफरेंट था मतलब एक्सट्रीम लेवल का पर्सोना है यहाँ पे दो वी हैव सीन इट ऑन टीजर बट व्हाट्स द ट्रेलर जो कि मतलब जो कि पावर बूस्टर होने वाला है यहाँ का शायद से ओके सो वन अच्छू एंड थ्री एंड लेट्स स्टार्ट इट ओके पापा लेट्स प्ले अ गेम मैं पापा और आप बेटा आपको याद है फिफ्थ स्टैंडर्ड में था और माइकल जैक्सन का कॉन्सर्ट हो रहा था बम्बे में यू न्यू व्हाट अ बिग फैन आई वाज ऑफ माइकल जैक्सन मेरे सारे दोस्त जा रहे थे पर मैं नहीं गया क्योंकि आपका बर्थडे था उसी दिन को रिप्ले करते कुछ नहीं करना आपको आपको बस पापा पापा करना है और मैं आपकी एक्टिंग करूंगा ओके शिद्दत से करना पापा मेरा एक ही मौका है ओके साइकोपैथ से करना एक्शन पापा सूजा हुआ आंख एंड देन पापा सुनाई दे रहा है बेरा नहीं हूं मैं ही अडोर्स यू उसके लिए सुपर हीरो ये देखो कबीर सिंह वाला पार्ट याद आ गया है पापा को छोटे बाल वाला हेयरस्टाइल पसंद है हाँ शायद पर तुम लंबे बालों में भी अच्छे लगते हो आई ग्रोड अगेन पापा सेम चश्मा है राइट तो वापस आया तो मैं कितना खुश था पर तूने जंग शुरू कर दी इस जोकिंग समान में आते ही हंगामा मचा दिया टाइम बताएगा मेरे पापा के लिए मेरा प्यार फेल है पास है या दुनिया में सबसे फर्स्ट है मैंने बोला ओहो क्रिमिनल है हमारा बेटा ये वाला सीन है आई रियली विश यू डाइड दैट डे मैं वापस आ गया हूं जी कहीं नहीं जाऊंगा जिसने भी पापा पर गोली चलाई बलबीर सिंह पर गोली चलाई मैं वादा करता हूं अपने हाथ से गला काटूंगा उसका करने से पहले मुझसे पूछ रहा होता अब से 100 चीजें करूंगा पर हर बार आपकी परमिशन नहीं दे सकता मैं गोस्ट से लड़ता नहीं उन्हें खा जाता हूं आज के बाद एक खरोच भी आई दुनिया चला दूंगा पापा कुकिंग बैडास वाला ये उनका ओ वाइब है ओ सब कुछ ही मिटा देंगे ओ सारे होश गवा देंगे अगर तुझे हो गया कुछ सारी दुनिया जला देंगे Oh wow. भाई क्या ट्रेलर है तो ये देख के फील हो रहा था कि किसी को अगर आप इतना ज्यादा प्यार करते हो या फिर बहुत ज्यादा हेट करते हो दैट एग्जैक्ट मोमेंट यू वांट टू बी देयर फेवरेट तो यहाँ पर ना ऐसा कुछ था कि उनके चाइल्डहुड ट्रॉमा को वो लाइक बड़े होने के बाद वो उनके माइंड में चलता रहता था कि नाउ आई हैव टू बी द लाइक हिज फेवरेट वन तो उससे एक
खुद के अंदर की जंग को ऐसे लाइक काइंड ऑफ लाइक खुद के अंदर की जंग को वो बाहर कर रहे थे टू शो पीपल नो आई लव हिम एंड आई एम द वन हु लव हिम द मोस्ट, ऐसा कुछ था. और एक जंग तो था बिकॉज वी हैव वॉच्ड इट ऑन टीजर के जहाँ पे उनके बड़े भैया थे एंड ही वाज के मॉकिंग हिम. तो एक वो फैमिली के अंदर भी वो हायरार्की वाला एक पोजीशन एंड देन कुछ उसका भी एंड देयर वाज अ पार्ट, मतलब आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा साइकोपैथ वो हो सकते हैं जहाँ पर वो लाइक उनकी वाइफ लाइक रश्मिका मंदाना मैम उनको बोल रही थी एंड ही जस्ट लाइक उनको ऐसे गला पकड़ लिया. या दैट मोमेंट लाइक वो इतने ज्यादा क्रेजी थे कि वो सभी को दिखाना चाहता है कि अनस्टॉपेबल या ही लव्स हिज फादर सो मच कि वो किसी को भी रास्ते से हटा सकते हैं. बट आई लव्ड यहाँ पे जो एक्शन सीक्वेंस दिए गए हैं उसके साथ जो बीजीएम लग रहा है ना, क्या तगड़ा और मस्त. एंड आई लव दैट पार्ट जब वहाँ पर लाइक रेड लाइट था एंड वो लाइक एंट्री हो रही थी उनकी, वो वाला पार्ट वो ब्लड से कवर्ड थे पूरा, मतलब वो ट्रांजिशन फर्स्ट में जब आते हैं एंड देन आंख सूजा हुआ एंड देन वो बताते हैं, फिर उनके पापा का आंख सूजा हुआ एक पार्ट था, और लास्ट वाला जो फाइट होता है ना वो ऐसे ब्लेजर में आते हैं खुला पूरा ब्लड यार क्या खतरनाक लग रहा था वो वहाँ पे. एंड स्पेशली दैट बॉबी देवल वाला वो फाइटिंग सीन यार, वो आए लाइक वो भी ब्लड से कवर्ड थे पूरा, एक घूसा मारा ना वो ब्लड के छींटे जाके पीछे गिरता है वो इफेक्ट यार दिल में आके बॉम्ब मार के चला गया. आई लिटरली लव्ड इट लाइक ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ दिस ट्रेलर, आई टोटली लव्ड इट, वाज अमेजिंग. एंड रणवीर कपूर को यहाँ पे जितने भी डायलॉग्स दिए गए हैं ना, मतलब आइदर ऑन इमोशनल लेवल बोलिए या फिर पावरफुल वो एक अथॉरिटी वो वाला डोमिनेटिंग था बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा. और वो ना इतना इमोशनल है वो एक एक लाइन, मगर वो जिस तरह से वो डिलीवरी दे रहे थे ना, इट वाज लाइक वो गूज़बम्स देने वाला एक फील आ रहा था यहाँ पे. आई एम टोटली एक्साइटेड फॉर द मूवी यार, ट्रेलर ऐसी बनाओ कि लोगों के होश उड़ जाए. होश तो हमारे उड़े हैं, लेट्स सी के क्या होता है. आपको कौन सा वाला पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा, अट्रैक्टिव लगा, लाइक उफ ये देख के उफ निकला है दिल से, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. गिव अस अ थम्स अप टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल एंड बाय बाय. विल मीट इन द बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ा सा आज के लिए झेल लीजिएगा.